हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स कलवर्ट की जो सीरीज है उसकी आज हम तीसरी वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रेंड थोड़ा डिले हो गया, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। तीसरी वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा होगा कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। जनरली जो हमारी बॉक्स कलवर्ट की कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो उसके लिए जो आइटम्स होते हैं उन आइटम्स की क्वांटिटीज कैसे निकालेंगे आप, और उस पर्टिकुलर क्वांटिटीज के लिए उसका अमाउंट का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इस वीडियो का मेन कंसर्न रहेगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा। नो डाउट वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि एस्टिमेट बनाना किसी भी स्ट्रक्चर का या बॉक्स कलवर्ट का कोई छोटा काम नहीं है। एस्टिमेट बनाने में आपको बहुत सारी जानकारियाँ लेनी होती हैं, इसलिए इस जानकारी को लेने के कारण वीडियो लंबी हो सकती है। फ्रेंड वीडियो शुरू करूं उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा तो आपके पास उनके नोटिफिकेशंस तुरंत पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं बिना कोई डिले किए आज की वीडियो। दोस्तों इसके पहले बॉक्स कलवर्ट पे जो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 हमने अपलोड की थी, आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसके लिंक में शेयर कर रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो वो दो वीडियो आप इस वीडियो को देखने के पहले जरूर देख लें, जिससे आपको ये वीडियो है, ये जो एस्टिमेशन का पार्ट है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड एक एस्टिमेट को बनाने के लिए हम एक्सेल शीट का यूज करेंगे। एक्सेल शीट हमें प्रिपेयर करनी होगी। एक्सेल शीट में अगर बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कॉस्ट एस्टिमेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, या आप इसको बॉक्स कलवर्ट भी लिख लीजिए, या जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रोड का नाम लिख लिया हमने और जो भी जनरल डिटेल होती है ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट या चैनेज वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। फिर हमें लिखना है बॉक्स कलवर्ट का साइज कितना है। तो हमारा जो बॉक्स कलवर्ट है वो 4 मीटर बाय 4 मीटर, यानी कि 4 मीटर हाइट है और 4 मीटर उसकी जो सेल है उसकी विड्थ है, ठीक है। 4 बाय 4 मीटर का हमारा बॉक्स है और 3 नंबर से, यानी कि 4 मीटर बाय 4 मीटर के 3 सेल हमें बनाने हैं। राफ्ट यानी कि जो हमारी बॉटम स्लैब है उसकी थिकनेस है 350 mm, जो हमारी साइड वॉल है या अबटमेंट वॉल है जिनको हम एंड वॉल ही बोलते हैं उसकी थिकनेस है 450 mm, मिडिल वॉल या इंटरमीडिएट वॉल जिन्हें हम बोलते हैं उसकी थिकनेस है 350 mm, हॉन्च का साइज है 200 बाय 200 mm, और हमारा जो कैरिज वे है, कैरिज वे जो हमारी आउटर टू आउटर बॉक्स की विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 7.5 मीटर। रोड का टॉप लेवल है 100.11 मीटर्स। एवरेज बेड लेवल मींस क्या होता है, एवरेज बेड लेवल हमारा अपस्ट्रीम का डीपेस्ट लेवल और डाउन स्ट्रीम का डीपेस्ट लेवल का जो एवरेज है वो है 96.855। लोएस्ट बेड लेवल है जो डाउन स्ट्रीम का लोएस्ट बेड लेवल है वो है 96.735। और रिटर्न वॉल जो हम अबटमेंट वॉल के साइड में हम रिटर्न वॉल बनाएंगे, जो प्रोटेक्शन वॉल बनाएंगे, उनकी लंबाई है 5 मीटर, ठीक है। दोस्तों ये हमें जानकारी जो हमें बॉक्स कलवर्ट है उसके बारे में हमें मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं एस्टिमेट के पार्ट में, तो हम आइटम क्या क्या लेने हैं। देखिए अगर आपने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखी होगी तो वहाँ पर आपको सबसे नीचे आपको कट ऑफ वॉल बनानी होती है। कट ऑफ वॉल का जो पोर्शन होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पिंक पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारी है कट ऑफ वॉल, जो कि हमारे जो ग्राउंड लेवल है या जो बेड लेवल है उसके नीचे जाती है। अब इस कट ऑफ वॉल को बनाने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी कट ऑफ वॉल होती है, इस कट ऑफ वॉल को बनाने के लिए हमें ग्राउंड के नीचे एक्सकेवेशन करना होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हम बॉक्स कलवर्ट बनाएंगे तो उसके कट ऑफ वाले कंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक्सकेवेशन करना होगा। सबसे पहला काम हमें खुदाई का करना होगा। अब एक्सकेवेशन भी देखिए, हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमारा जो वर्क हम कर रहे हैं वो किस शेड्यूल्स ऑफ रेट को लेके हमें करना है। शेड्यूल्स ऑफ रेट मतलब हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेंट्रल PWD, PWD, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, NHAI होती है, यह हमारे क्लाइंट होता है उसका भी पर्सनल SSR हो सकता है, तो उसके जो स्टैंडर्ड रेट हैं उन रेट्स के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए और आइटम की डिस्क्रिप्शन हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे अर्थवर्क का हम बात करें, अर्थवर्क
एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन भी एक अर्थवर्क का ही पार्ट होता है। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन जो हमारी ये डिस्क्रिप्शन है, आप इसको SOR में पढ़ लीजिएगा। SOR आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप इसको ये डिटेल मिल जाएगी। आइटम नंबर है उसका 11.1, ठीक है। आप इसको SSR ही बोलते हैं, SOR ही बोलते हैं, CSR ही बोलते हैं, ये डिफरेंट नाम इसके होते हैं। अब SOR हमें बोलता है कि जो हम कट ऑफ वॉल का एक्सकेवेशन करेंगे या किसी भी आइटम के लिए एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो हमें बेड लेवल से अप टू 1.5 मीटर डेप्थ के लिए जो रेट है, और बेड लेवल से 1.5 मीटर टू 3 मीटर की डेप्थ तक के लिए जो रेट है वो अलग अलग है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.5 मीटर के लिए जो रेट है वो है 210 रुपीज, और 1.5 से 3 मीटर डेप्थ तक के लिए एक्सकेवेशन की रेट है वो 283 है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो एक्सकेवेशन करना चाह रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर के लिए, वो अप टू दी बेड लेवल से कितना गहराई में हम करने वाले हैं। अगर हम अप टू 1.5 मीटर डेप्थ के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें रेट अलग लेना है, और 1.5 मीटर से 3 मीटर कर रहे हैं तो रेट अलग लेना है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि हमें एक्सकेवेशन करना किस किस के लिए है। देखिए जो भी पार्ट आपका ये हमारा बेड लेवल है, इस बेड लेवल के नीचे का जो भी हिस्सा है उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें एक्सकेवेशन करना होगा। जैसे हमारा एक्सकेवेशन हो जाएगा कट ऑफ वॉल के लिए, ये हमारी बॉटम स्लैब है यानी कि जो राफ्ट है उसके लिए, और यहाँ पर जो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी एप्रोन्स कहलाती हैं, ये हमारा एप्रोन है, और ये जो आप देख रहे हैं बीम नुमा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कर्टेल वॉल, ठीक है। तो कर्टेल वॉल, एप्रोन, राफ्ट स्लैब और कट ऑफ वॉल, इनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें एक्सकेवेशन करना होता है। तो चलिए इनके कंस्ट्रक्शन के लिए जो एक्सकेवेशन करनी है हमें, उसी क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम समझते हैं। हम अप टू 1.5 मीटर डेप्थ के लिए ही ले लेते हैं, हम ऐसा अजम्पशन करते हैं कि हमारा जो एक्सकेवेशन करना है हमें बेड लेवल से 1.5 मीटर तक ही करना है, ठीक है। तो बेस स्लैब यानी कि हम राफ्ट की बात करते हैं, तो राफ्ट का जो नंबर्स है यानी कि कितनी यूनिट है, तो हमें एक राफ्ट बनानी है। थ्रो आउट जो हमारी पूरी चौड़ाई है बॉक्स कलवर्ट की, चाहे वो 4 सेल हो या सिंगल सेल हो, जनरली जो हमारी राफ्ट होती है वो हम 12 मीटर एक साथ लंबाई में कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमारा 4 मीटर है, 4 मीटर के 3 सेल है, तो इसलिए हमारा जो बॉटम स्लैब या राफ्ट है उसको हम एक साथ में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेस स्लैब की बात करें तो यहाँ पर हमें नंबर एक है, लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ यहाँ पे हो जाएगी 13.6 मीटर। कैसे हो जाएगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर यानी कि 12 मीटर तो आपकी ओपनिंग ही हो गई, ठीक है। इसके बाद जो विड्थ, ये जो आपकी मोटाई है वॉल्स की मोटाई, इसको भी आप जब जोड़ लेंगे तो हमारा जो टोटल जो राफ्ट है, जो बॉटम स्लैब है, इसकी लंबाई हो जाएगी 13.6 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 7.5 मीटर, यानी आउटर टू आउटर जो हमारे बॉक्स कलवर्ट है उसकी चौड़ाई है 7.5 मीटर और डेप्थ है 1.25 मीटर। डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा बॉटम स्लैब है, बॉटम स्लैब के सबसे नीचे हमने किया है GSB किया है यहाँ पे, इसके ऊपर किया है PCC और फिर की है राफ्ट या बॉटम स्लैब। यहाँ पर हमने GSB किया है 500, PCC किया है 100 और राफ्ट की थिकनेस है हमारी यहाँ पे हमने लिखी हुई है, वो जो बॉटम स्लैब है जो राफ्ट है उसकी थिकनेस हमने ली है 350, ठीक है। 350 प्लस 500 का GSB तो हो गए हमारे कितने, कैलकुलेटर एक बार हम खोल लेते हैं। देखो 350 हमारी हो गई राफ्ट की थिकनेस, प्लस 500 का हो गया हमारा GSB और प्लस 100 का हो गया हमारा PCC, तो ये हमारा हो गया 950, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैंने आपको बताया था जो हमारा जो राफ्ट है या जो बॉटम स्लैब है उसका जो टॉप लेवल है वो हमारे डीपेस्ट बेड लेवल से 300 mm नीचे रखना है, यानी इन्वर्ट लेवल जो होगा वो हमारे बेड लेवल से 300 mm नीचे रहेगा, इसलिए हम इसमें 300 mm और जोड़ देते हैं। तो हमारे जो टोटल गहराई आ जाती है एक्सकेवेशन की वो आ जाएगी 1250 mm, या यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 1.25 मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया।
अब इसकी जो क्वांटिटी हमें क्यूबिक मीटर में लेनी है, यूनिट जो है हमारी क्यूबिक मीटर में रहेगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ टोटल क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 127.500 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से एप्रॉन की बात कर लेते हैं, तो हमारी एप्रॉन है अपस्ट्रीम साइड में एक है, ठीक है, एक अपस्ट्रीम साइड में रहेगी, एक डाउनस्ट्रीम में रहेगी। अपस्ट्रीम साइड की जो एप्रॉन है उसकी लेंथ हो जाएगी हमारी 18.60 मीटर। क्यों हो जाएगी 18.60, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी जो बॉटम स्लैब है या जो हमारे बॉक्स कलवर्ट है उसकी लेंथ हो रही है 13.60 मीटर। अब हम जो एप्रॉन्स बनाते हैं ना दोस्तों, तो हमारे जो बॉक्स कलवर्ट की एंड टू एंड है, ठीक है, यानी के यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो हो रही है हमारी 13.60 मीटर। अब यहां से 13.60 मीटर तो हमारी केवल बॉक्स कलवर्ट का ही पोर्शन आ गया, लेकिन हमें जो एप्रॉन बनाना होती है ना दोस्तों, तो हमें वो इस तरफ 2.5 मीटर और इस तरफ भी 2.5 मीटर एक्स्ट्रा लेके बनानी होती है। इसलिए हमारी जो एप्रॉन की टोटल लेंथ आ रही है वो हो रही है 18.60 मीटर। ब्रेथ है इसकी डाउन अपस्ट्रीम के लिए 3 मीटर और डेप्थ है 0.80 मीटर। एक्सकेवेशन करना है क्योंकि हमारी जो एप्रॉन है उसकी कॉन्क्रीट की मोटाई है 500 mm और 300 mm का नीचे हमें GSV करना है, इसलिए टोटल जो एक्सकेवेशन हम करेंगे वो करेंगे 0.8 मीटर के लिए। क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ करेंगे तो क्वांटिटी हो जाएगी 44.640। इसी प्रकार से डाउन स्ट्रीम में निकाल लीजिए, डाउन स्ट्रीम में बस आपको लेंथ लेना है 5 मीटर। कट ऑफ वॉल के लिए भी आप निकाल लीजिए, कट ऑफ वॉल का मैंने लेआउट आपको यहाँ पे दिखाया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। कर्टन वॉल के लिए एक्सकेवेशन आप कर सकते हैं, कर्टन वॉल के लिए जो हमारी लेंथ रहेगी, जो हमारी एप्रॉन, देखिए कर्टन वॉल हमें बनाना है एप्रॉन के लिए, तो एप्रॉन की जो लेंथ है 18.60 वही हमारी कर्टन वॉल की रहेगी। इसकी जो मोटाई है वो हो जाएगी 0.75 मीटर और डेप्थ हो जाएगी 1.20 मीटर, ठीक है। तो टोटल क्यूबिक मीटर यहाँ पे हम निकाल लेंगे। फिर रिटर्न वॉल की बात करें, रिटर्न वॉल हमें बनानी है जो हमारा बॉक्स कलवर्ट रहेगा, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ प्लान में, ये हमारा बॉक्स कलवर्ट है और इसके साइड में ये जो वॉल्स हैं ये हमारी रिटर्न वॉल्स हैं। जैसे यहाँ पर ये रिटर्न वॉल्स हमें बनानी है तो उसका हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्सकेवेशन, ये आप इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक्सकेवेशन हमने कर लिया है। ये हमारी कट ऑफ वॉल है, ठीक है, इस कट ऑफ वॉल के लेवल से ही हमें एक्सकेवेशन लेवल रखना है हमारी रिटर्न वॉल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रिटर्न वॉल के लिए 4 नंबर से हमारी रिटर्न वॉल हो जाएंगी, 2 हमारी हो जाएंगी लेफ्ट बैंक में और 2 हो जाएंगी राइट बैंक में, यानी कि दोनों तरफ हमें 2-2 रिटर्न वॉल बनानी होगी। लेंथ है 5.20 मीटर, हमें देखिए यहाँ पर हमने ली है रिटर्न वॉल की लेंथ 5 मीटर, लेकिन एक्सकेवेशन हमें जो करना है क्या करना होगा, हमें 10-10 सेंटीमीटर की ऑफसेट लेना होगी पीसीसी के लिए, इसलिए उस पीसीसी का ऑफसेट बना सकें इसलिए हम रिटर्न वॉल का एक्सकेवेशन 5.20 में किया है। चौड़ाई ली है 2.03 मीटर, ये चौड़ाई आपकी डिपेंड करती है कि आपकी जो हाइट आ रही है स्ट्रक्चर की या रिटर्न वॉल की जो हाइट आ रही है उस हाइट के 1:3 के रेशो से जो बॉटम विड्थ बनेगी वो आपको यहाँ पे लेनी है। अगर नहीं आती है तो मैंने पहले आपको पाइप कलवर की वीडियो में बता दी है, वही वीडियो से आप यहाँ पे रेफरेंस लेके इसकी बॉटम विड्थ को भी निकाल सकते हैं। डेप्थ की बात करें तो जो हमारी कट ऑफ वॉल की जो गहराई है जितनी, वही हमें रिटर्न वॉल की गहराई रखनी है बेड लेवल के नीचे, ठीक है। इसका क्यूब मीटर भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, टोटल एक्सकेवेशन की क्वांटिटी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन सभी के लिए जो एक्सकेवेशन करनी है इसका यहाँ पे आप सम कर दीजिए, ये जो इन सबको जोड़ के आप यहाँ पे लिख लेंगे तो ये आपका टोटल एक्सकेवेशन निकल के आता है। रेट है इसका 210 रुपीज, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 362.99 × 210, तो टोटल एक्सकेवेशन की अमाउंट होगी हमारी 76,227 रुपीज। ये अप टू 1.5 मीटर डेप्थ के लिए है। अब सपोज करते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर है बहुत क्ले सॉइल वाला स्ट्रक्चर है या वाटर लॉक्ड एरिया, तो हो सकता है वहां हमें अप टू 3 मीटर डेप्थ तक एक्सकेवेशन करना पड़े, तो 1.5 मीटर से 3 मीटर का डेप्थ और जा रही है ऊपर, तो फिर हमें वहां पे 283 का रेट देना होता है, ठीक है। ये हमारा एक्सकेवेशन का पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने एक्सकेवेशन किया है, इन सभी एक्सकेवेशन करने के बाद हमें क्या करना होगा, वहाँ पे पीसीसी करना होगा और जीएसवी करना होगा। पीसीसी हमें करना है M10 ग्रेड से,
तो बिलो बेस स्लैब यानी कि राफ्ट के नीचे हमें जो पीसीसी करेंगे, लेंथ हमारी राफ्ट की है 13.60, चौड़ाई है 7.5 मीटर, और इसकी थिकनेस हमें लेना है बेस स्लैब की पीसीसी की 0.1 यानी कि 100 mm। तो टोटल क्वांटिटी हमारी क्यूबिक मीटर में हो जाएगी 10.20। कर्टन वॉल के लिए जो हमारी एप्रोन हमें बनानी है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के दो नंबर्स हमारे एप्रोन रहेंगे, लेंथ है उसकी 18.6, 0.75 इसकी बॉटम विड्थ है, और यहाँ पे थिकनेस हमें लेना होगा 0.1 या 100 mm। रिटर्न वॉल के लिए पीसीसी लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ हो जाएगी 5.20, विड्थ है 2.03 जो कि हमने यहाँ पे ली है, और यहाँ पे जो मोटाई रहेगी पीसीसी की वो रहेगी 0.2 या 200 mm। तो टोटल क्वांटिटी आप क्यूबिक मीटर में लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ करेंगे तो ये क्यूबिक मीटर आपका निकल के आ जाएगा। तो तीनों का जो क्वांटिटी आ रही है पीसीसी की वो आप जोड़ के यहाँ पर लिख लीजिए, उसका रेट आप एसओआर से ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हमें पीसीसी का रेट है 4295, तो टोटल आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा 92122। ठीक है, ये पीसीसी M10 ग्रेड होगा। देखिए पीसीसी यहाँ पर जो M10 ग्रेड का पीसीसी वो आपको लेबलिंग कोर्स के लिए यूज करना है, जिसपे आप जो GSP करते हैं या जो कोई भी RCC स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो उसके नीचे जो आप एक प्लेन कॉन्क्रीट करेंगे तो वो आप करेंगे M10 ग्रेड की। लेकिन एक होती है पीसीसी M15 ग्रेड की भी, ये आपको कहाँ लेना है, ये आपको लेना है जैसे रिटर्न वॉल होती है, कर्टन वॉल होती है, तो वहाँ पर आपको M15 ग्रेड की कॉन्क्रीट से रिटर्न वॉल बनानी है और कर्टन वॉल बनानी होती है। तो रिटर्न वॉल की हमारी टोटल नंबर्स हैं 4, लेंथ है 4, इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई हमने एवरेज चौड़ाई लिया है दोस्तों, जो उसका टॉप की चौड़ाई रहेगी रिटर्न वॉल की और बॉटम की चौड़ाई रहेगी। अप टू दी फाउंडेशन लेवल यानी कि जो कटन हमारी जो कट ऑफ वॉल का लेवल है, उस कट ऑफ वॉल के लेवल तक जो रिटर्न वॉल आ रही है हमारी, उसका जो टॉप विड्थ है और उसकी जो बॉटम विड्थ है, उसकी चौड़ाई का एवरेज 1.515 हमने यहाँ पे लिया है, और डेप्थ ली है 1.5 मीटर जो कि हमारी कर्टन वॉल के जो हमारी कट ऑफ वॉल है उसके बराबर में ही है। तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 4 × 5 × 1.515 × 1.5, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगी 45.450। ठीक है दोस्तों, बता देता हूँ आपको, आपको दो कर्टन वॉल बनानी है, एक अपस्ट्रीम में एक डाउनस्ट्रीम में। जो हमारी एप्रोन होती है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ये जो हमारी एप्रोन है, इस एप्रोन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने कर्टन वॉल बनाई है। इस कर्टन वॉल की जो विड्थ है या जो आप मोटाई इसको समझ लीजिए, ये है हमारी वो है 0.60, आपके जो इसकी हाइट है वो है 0.60, और इसको जो विड्थ है वो है 0.45 मीटर। तो इसको ही हमने यहाँ पर एस्टिमेट में लिया है। ठीक है, तो ये हमारी कर्टन वॉल भी हमें पीसीसी M15 ग्रेड कंक्रीट से बनानी होगी। टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए जो हमारे रिटर्न वॉल के नंबर्स हैं 4, 4 × 5 × 1.515 × 1.5, इन सबका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल क्यूबिक मीटर हमारा हो जाएगा 45.450। कर्टन वॉल के लिए भी 2 × 18.6 × 0.45 × 0.6, टोटल क्वांटिटी हमारी हो जाएगी 10.044 क्यूबिक मीटर। ओवरऑल क्वांटिटी के लिए आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हमारा जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 55.494। इसका रेट है 4328, तो टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से तो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम, हमारे पीसीसी हमने कर लिए यहाँ पर, अब हमें स्ट्रक्चर वर्क करना है। जैसे हमें कट ऑफ वॉल बनानी है, एप्रोन बनानी है, तो ये हमें बनानी है M20 ग्रेड कंक्रीट से बनानी है। ठीक है, RCC ग्रेड RCC रहे क्योंकि एप्रोन भी हमें स्टील में लेना है और जो कट ऑफ वॉल है उसमें हमें स्टील देना है। तो जहाँ पर स्टील रहेगा वो हमें RCC ग्रेड कंक्रीट हमें वहाँ पर यूज करना होगी, क्योंकि RCC के जो M20 है उसका रेट अलग रहेगा और जो PCC का M20 उसका रेट अलग रहेगा। तो RCC ग्रेड M20 के लिए रेट आप SOR से देख लीजिए तो आपको यहाँ पर ये 4875 रुपीज यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, और आइटम नंबर है 11.4 और सब आइटम नंबर है नंबर 4 का। ठीक है, 11.4 हमारा आइटम है, उसका जो सब आइटम है वो है 4 नंबर M20 ग्रेड
आरसीसी M20 क्रेन। करना कहाँ 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 पे हमें, देखो कट ऑफ वॉल पे करनी है। कट ऑफ वॉल हमारी जो लॉन्ग स्पान है 8.1 मीटर और उससे शॉर्ट स्पान है 13.6। लॉन्ग स्पान से मतलब जो हमारी बॉक्स कलवर्ट है उसका जो चौड़ाई वाला हिस्सा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल टू रोड वाला हिस्सा है उसके, देखो ये हमारा लॉन्ग स्पान है, तो इस लॉन्ग स्पान में जो हमारी चौड़ाई है कट ऑफ वॉल की वो है 8.10 मीटर या 8100 mm, और यानी कि जो लॉन्गर स्पान है, लॉन्गर स्पान में चौड़ाई है 8.1 मीटर, और शॉर्टर स्पान, ये हमारा शॉर्टर स्पान है, यहाँ पे चौड़ाई है 14200 या 14.2 मीटर, ठीक है। तो लॉन्गर स्पान में हमारे जो कट ऑफ वॉल है वो दो नंबर, दो दीवारें हैं, ठीक है, तो एक हमारे डाउन स्ट्रीम साइड एक अप स्ट्रीम साइड, हमारी दो वॉल्स बनेंगी कट ऑफ वॉल में। यहाँ पर इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 8.1 हमने ली है, इसकी जो मोटाई है वो 0.3 मीटर या 300 mm है, और डेप्थ है जो गहराई है 1.5 मीटर, जो आप प्लान से देख सकते हैं। तो 2 × 8.1 × 0.3 × 1.5 टोटल क्यूबिक मीटर हमारा हो जाएगा 7.290। कट ऑफ वॉल के शॉर्टर स्पान के लिए लेंथ 14.2, मोटाई है 0.3 मीटर और गहराई है 1.5 मीटर, तो इस सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी 12.780 हो जाएगी। आरसीसी एप्रोन की बात करें तो एप्रोन हमें एक डाउन अपस्ट्रीम में, एक डाउन स्ट्रीम में, इसकी जो लेंथ है वो अपस्ट्रीम में है 3 मीटर और डाउन स्ट्रीम में है 4 मीटर, और जो चौड़ाई है वो 18.60 मीटर है बोथ साइड, और डेप्थ है 0.60 मीटर। टोटल क्वांटिटी हमारी ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे आप पांचों कॉलम का, तो हमारी टोटल क्यूबिक मीटर में 33.480 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप डाउन स्ट्रीम में भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, और रेट से जब आप टोटल क्वांटिटी निकाल लें इनका सम करके, जो आप ये 109.350 निकालेंगे, इसको आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाती है। इसके बाद है पीसीसी ग्रेड M20, आइटम नंबर है 12.5। एक हमने आरसीसी का M20 पढ़ा था, अब ये जो M20 है ये पीसीसी यानी कि हमें स्टील प्रोवाइड नहीं कराना है, तो इसका रेट यहाँ पे अलग लिया है, इसलिए इसको अलग से रो में हमने नंबर 4 पे दिखाया है। तो पीसीसी ग्रेड M20 हमने ली है रिटेनिंग वॉल में। अभी देखिए हमने M15 का भी पीसीसी किया था रिटेनिंग वॉल में, तो वो हमने किया था जो हमारा ग्राउंड लेवल के नीचे वाला पार्ट है, या जो हमारा कट ऑफ वॉल के लेवल तक की जो रिटेनिंग वॉल है वहां पर हमने M15 कॉन्क्रीट की है, और उसके ऊपर जो हमारी रिटेनिंग वॉल आ रही है वो हमने M20 ग्रेड कॉन्क्रीट से बनाई है। तो नंबर ऑफ रिटेनिंग वॉल है 4, लेंथ कितनी है 5 मीटर है, इसकी हाइट हो रही है हमारी 0.85 मीटर, आपकी जो मोटाई है ये हमारी जो एवरेज मोटाई है वो है 0.85 मीटर, और टोटल जो हाइट हो रही है वो है 2.70 मीटर। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्यूबिक मीटर हमारा हो जाएगा 45.90। रेट है इसका 4,947 रुपीज, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी इंटू रेट, तो टोटल आपका अमाउंट निकल के आ जाता है। आइटम नंबर 14.1 है जो एप्रोन्स होती है, अगर आप उसको फ्लेक्सिबल एप्रोन देना चाह रहे हैं, बोल्डर्स एप्रोन देना चाह रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर इसकी क्वांटिटी लेनी है, लेकिन हमने यहाँ पे आरसीसी एप्रोन ली है इसलिए हमने यहाँ पर जो इसकी डेप्थ है यहाँ पे 0.0 कर दी है, जिससे हमारा जो क्वांटिटी है वो भी 0 हो जा रही है क्योंकि हमने यहाँ फ्लेक्सिबल एप्रोन प्रोवाइड नहीं की है। फिर है आइटम नंबर 12.5। अब एक और आपको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, जो आइटम नंबर 12.5 है इसके अंदर भी सब आइटम 5 और 6 यहाँ पे दिए हुए हैं। 5 है हमारा आरसीसी ग्रेड M25 फॉर बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बॉटम स्लैब, यहाँ पर जो इसका रेट है वो है 5203, ग्रेड आपकी M25 है और आरसीसी ही है। अब एक सब आइटम है नंबर 6 का, वो भी हमारा M25 और RCC है, लेकिन उसका रेट है 5754 रुपीज़। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर हम जो बेस स्लैब ले रहे हैं या राफ्ट ले रहे हैं ये हमारा आता है सब स्ट्रक्चर में, सब स्ट्रक्चर के लिए जो RCC M25 का रेट है वो कम है सुपर स्ट्रक्चर के M25 की तुलना में, इसलिए जो बेस स्लैब की जो M25 के लिए हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो हम अलग रेट से करेंगे। तो बेस स्लैब या राफ्ट की जो हम बात करें तो हमारा एक राफ्ट है, उसकी टोटल लेंथ है 13.60 मीटर, चौड़ाई है 7.5 मीटर, और उसकी जो डेप्थ है वो है 0.35 मीटर। इन चारों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल क्यूबिक मीटर में आएगी क्वान्टिटी 35.700
क्यूबिक मीटर, रेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5203 से, तो टोटल अमाउंट आपका निकल के यहाँ पर आ जाता है। ये हमारा हो गया सब स्ट्रक्चर का M25। अब बात आती है जो सुपर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर जैसे हमारी टॉप स्लैब होती है, साइड वॉल्स होती हैं, इंटरमीडिएट वॉल्स होती हैं, हांचेस होते हैं, कर्व्स होते हैं, पिलर्स होते हैं और व्हील गार्ड होते हैं, ये हमारे सुपर स्ट्रक्चर की कॉन्क्रीट में आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो M25 RCC है उसका रेट भी ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको शटरिंग भी देना पड़ती है, जो आपको फॉर्म भर के वो करना होता है, इसलिए यहाँ पर जो सुपर स्ट्रक्चर की RCC है उसका रेट आपको ज़्यादा पे करना होता है। रूप स्लैब की बात करें या टॉप स्लैब, जो हमारी बॉटम स्लैब है और जो हमारी टॉप स्लैब वो सेम टू सेम रहेंगी, क्योंकि मोटाई हमारी 0.35 ही है, तो इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी भी हमारी सेम टू सेम आ रही है। साइड वॉल्स की बात करें तो हमारी अबटमेंट वॉल्स हैं, दो नंबर्स हैं, इनकी हाइट है 4 मीटर, चौड़ाई है 7.5 मीटर और इनकी जो थिकनेस है वो है 0.45 मीटर। तो इन सभी का आप चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 27 क्यूबिक मीटर। इंटरमीडिएट वॉल्स की बात करें तो ये भी हमने दो प्रोवाइड करनी है, हाइट 4 मीटर लेनी है, चौड़ाई 7.5 मीटर लेनी है और मोटाई 0.35 मीटर लेनी है। टोटल क्यूबिक मीटर आपका हो जाएगा 21 क्यूबिक मीटर, 2 × 4 × 7.5 × 0.35, तो 21 क्यूबिक मीटर टोटल क्वांटिटी यहाँ पर हो रही है। अब बात आती है हांचेस की। हांचेस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा इसी क्वांटिटी कैसे निकालनी है कंक्रीट के लिए। हांचेस टोटल नंबर ऑफ हांचेस हो रहे हैं हमारे 12, कैसे हो रहा है आपको मैं कैलकुलेट करके या आपको ड्रॉइंग में समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी बॉक्स कलवर्ट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो एक वेंट है इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 हांचेस हैं, ठीक है। तो हमारे तीन सेल में कितने हांचेस हो जाएंगे, तो 4 × 3 हो जाएंगे 12 हांचेस, इसलिए हमने यहाँ पर 12 हांचेस लिए हैं, ठीक है। तो हमारे नंबर्स ऑफ हांचेस हो जाएंगे 12, चौड़ाई जो हमारी बॉक्स कलवर्ट की चौड़ाई 7.5 मीटर वो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पर ये चौड़ाई हो गई, अब ये यहाँ पर है हमारा एरिया, यानी कि एरिया कितना आ रहा है, क्योंकि हमारे पास देखिए इसको आप चौड़ाई भी बोल सकते हैं या लेंथ भी बोल सकते हैं। तो हमने लेंथ 7.5 मीटर ले ली है, ठीक है। तो अब लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, तो विड्थ इंटू डेप्थ क्या है, हमारी विड्थ है 200 और डेप्थ भी है 200, जो हम इस हांच हमारा ये हाइपोटेनस आता है जब हम 200 परपेंडिकुलर चलते हैं और 200 हम चलते हैं बेस की तरफ या हॉरिजॉन्टल चलते हैं, तो इस 200 हॉरिजॉन्टल में और 200 वर्टिकल में जो हमारा हाइपोटेनस बनता है वो हमारा 200/200 का हांच कहलाता है। अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, तो 1/2 को आप 0.5 मीटर लिख लीजिए, हाइट भी लेना है 200 mm या इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा और बेस भी हो जाएगा 0.2 मीटर। तो हमारा जो टोटल इसका एरिया निकल के आता है वो आता है 0.02 स्क्वायर मीटर, तो इसलिए यहाँ पे हमने 0.02 लिया है। तो एरिया इंटू हमारी लेंथ हो जाएगी 7.5, तो टोटल क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी हो जाएगी 1.80 क्यूबिक मीटर। कर्व की बात करें तो कर्व हमारा जो हमारा बॉक्स कलवर्ट है उसकी जो लंबाई है उस पूरी लंबाई में हमें कर्व वॉल बनानी होती है, अपस्ट्रीम में ही बनानी होगी, डाउनस्ट्रीम में ही बनानी होगी। टोटल लेंथ हमारी जो बॉक्स की है वो 13.60 है। हमारा जो कर्व वॉल है उसकी जो उसकी मोटाई हमने ली है 350 mm या इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.350 मीटर हो जाएगी और उसकी हाइट हमने ली है 0.30 मीटर। तो 2 × 13.6 × 0.35 × 0.3 टोटल क्यूबिक मीटर यहाँ पे हो जाएगा 9.50 क्यूबिक मीटर। मार्क पिलर्स भी इसी तरह से निकाल लीजिए और व्हील गार्ड भी आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप उस PDF को स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब चलिए, अब हमें एक और निकालना होता है कि हम जो स्टील इसमें लगाने वाले हैं उस स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालनी है। तो स्टील की क्वांटिटी के लिए जो डेफिनेशंस हैं वो आपको मिल जाएगी, कौन सा स्टील लेना है, क्या क्लॉजेस हैं और ड्राइंग्स आपको क्या फॉलो करनी है। तो एज पर IRC SP 22000 को अगर हम देखें तो हमें स्टील की जो क्वांटिटी है वो लेनी है मीट्रिक टन में। अब मीट्रिक टन में तो लेनी है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसके लिए फंडा ये है दोस्तों, आप जो इसका बारबेंड शेड्यूल बना लीजिए। ये कम तो ये कर सकते हैं, जो आपकी बॉक्स कलवर्ट है उसके लिए आप जो स्टील लगनी है उसका बारबेनी शेड्यूल बनाइए, BBS बनाइए और इससे स्टील की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि एस्टीमेट हमारा होता है वो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू नहीं होती, हम उसमें थोड़ा सा
मार्जिन लेके हमेशा थोड़ा सा हम ज़्यादा अमाउंट या वैल्यू लेके उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक अजम्पशन के अगर तरीके से आप देखें तो आप एक मैं थंब रूल बताता हूँ। थंब रूल ये है कि हमारे जो टोटल आरसीसी है, जो ये हमारी टोटल आरसीसी कंक्रीट है जहाँ पर हमने स्टील प्रोवाइड करनी है, इस आरसीसी क्वांटिटी हो रही है हमारी 95.916 क्यूबिक मीटर। तो इस 95.916 क्यूबिक मीटर का आप क्या कीजिए, एक थंब रूल है कि आज जो हमारी आरसीसी होती है उसमें हम मैक्सिमम बात करें तो 180 केजी पर क्यूबिक मीटर स्टील मैक्सिमम हम प्रोवाइड करा सकते हैं, इतना एक थंब रूल के हिसाब से हम समझते हैं और जानते हैं। तो यहीं पे मैंने यही किया है कि जो हमारी टोटल आरसीसी 95.916 आ रही है ना, इसमें मैंने पर क्यूबिक मीटर 180 केजी पर क्यूबिक मीटर 180 केजी स्टील लिया है, ठीक है। तो हमारा जो क्वांटिटी आ रहा है वो हो रहा है 17.26 टन में, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाती है। पर टन का रेट है 56,493 और टोटल अमाउंट हो जाएगा 9,75,344.87 रुपीज़, ठीक है। तो स्टील क्वांटिटी जो हमारी आरसीसी की कंक्रीट आ रही है, उस आरसीसी कंक्रीट का पर क्यूबिक मीटर आप 180 केजी लेके यहाँ पर आपके एस्टिमेशन के लिए ले सकते हैं, या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल बना के आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या लेना है, बी फॉल्स लेना है। बी फॉल्स जो भी आपको लगते हैं, इसकी क्वांटिटी आपकी डिपेंड करती है कि आपकी हाइट कितनी है और चौड़ाई कितनी है, इसलिए आपको सेक्शन से मालूम करना होगी। रनिंग मीटर इसकी, यानी कि पर रनिंग मीटर का आपका इसका यूनिट रहता है, तो कितने रनिंग मीटर लग रहे हैं। जैसे हमें टोटल बी फॉल्स जो हमें लगाने हैं वो हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं बता देता हूँ आपको। टोटल बी फॉल्स आपको नंबर्स में लगेंगे 6, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, आपके दो तो साइड वॉल्स रहेंगे जो अबटमेंट वॉल्स हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की, आपके जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक के जो वॉल्स हैं उनमें लगेंगे, और जो रिटर्न वॉल आपने बनाई है 4 नंबर उनमें लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 ले लिया है, और उनकी जो लेंथ ले ली है वो 9 मीटर ले ली है। तो टोटल रनिंग मीटर है हमारा हो जाएगा 54 रनिंग मीटर, और पर रनिंग मीटर रेट है इसका 158 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 8,532 रुपीज़। इसके बाद फिल्टर मीडिया आपको प्रोवाइड करना है। फिल्टर मीडिया कहाँ पर देना है आपको, फिल्टर मीडिया में हम ग्रैनुलर मटेरियल डालेंगे, जीएसबी का मटेरियल डालेंगे जो कि हम प्रोवाइड करेंगे जो हमारी राफ्ट है या बॉटम स्लैब है उसके नीचे। तो बॉटम स्लैब की जो लेंथ है वो है 13.60 मीटर, चौड़ाई है 7.5 मीटर, और 500 mm का हमें जीएसबी या फिल्टर मीडिया देना है। तो टोटल क्वान्टिटी 1 × 13.6 × 7.5 × 0.5, टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 51 क्यूबिक मीटर। बैक फिलिंग जो हमारी अबटमेंट करते हैं, बैक फिलिंग की जो हमें अबटमेंट वॉल के साइड में करनी है, तो अबटमेंट वॉल्स हमारी दो नंबर्स अबटमेंट वॉल हैं, यहाँ पर हमने ली है 5 मीटर लेंथ, या इसको आप इसकी हाइट भी मान सकते हैं। हाइट यहाँ पे 5 मीटर क्यों ली है दोस्तों, क्योंकि 4 मीटर तो हमारी जो बॉक्स है उसी की हाइट हो जाएगी। इसके बाद हमारी टॉप स्लैब की मोटाई भी आएगी और बॉटम स्लैब की मोटाई भी आएगी, और इसके साथ इसका बेयरिंग कोट भी आएगा। तो टोटल हमारा एक अंदाजन 5 मीटर की टोटल हाइट यहाँ पे हो जाती है। चौड़ाई हमारी बॉक्स क्लब की 7.5 मीटर है, और इसकी जो मोटाई हमें देना है वो देनी है 0.600 मीटर, या 60 mm मोटाई में हमें बैक फिलिंग करना होगी। तो टोटल क्वांटिटी हमारी यहाँ पे हो जाती है 45 क्यूबिक मीटर, कैसे होगी, 2 × 5 × 7.5 × 0.6, टोटल क्यूबिक मीटर हो जाएगा 45। तो टोटल आपका जो बैक फिलिंग है बेस स्लैब और बैक फिलिंग में अगर जीएसबी का मटेरियल देखें, टोटल हो रहा है 96 और रेट है 694 रुपीज़ का। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब क्या करना है दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा और टाइम आपका मैं चाहूँगा। अब हम करेंगे यहाँ पे प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट बेयरिंग कोर्स। बेयरिंग कोर्स का आइटम नंबर 13.5। बेयरिंग कोर्स क्या होता है, जो हमारी टॉप स्लैब होती है ये जो हमारी टॉप स्लैब है इसके ऊपर क्या करते हैं, हम 7.5 मीटर की मोटाई का एक सीमेंट कंक्रीट का एक बेयरिंग कोट करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो टॉप स्लैब होती है उसके ऊपर एब्रेशन ना हो, जो हमारे ट्रैफिक चले वो हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर पर ना चल के ऊपर एक बेयरिंग कोट प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो थर्स्ट है या जो इफेक्ट है व्हीकल्स के वो हमारे सीधे आरसीसी स्लैब पर नहीं आते हैं। तो बेयरिंग कोट भी आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी आपको पूरी चौड़ाई में पूरी लंबाई में करना होता है। तो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। हमारी जो टोटल लेंथ होगी बॉक्स कलवर्ट की वो है 13.6 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी तीन सेल की हो रही है 13.60 मीटर, जो हमारी लंबाई है आउटर टू आउटर, ठीक है।
यहाँ पर चौड़ाई है 6.80 मीटर। क्यों ली है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारी कर्व है उसकी मोटाई को माइनस कर दिया है। कर्व के अंदर अंदर हमें क्या करना है, बेयरिंग कोट करना होगा, और जो इसकी थिकनेस है वो लेनी है 0.075 मीटर या 75 mm। तो टोटल क्यूबिक मीटर यहाँ पर होगा 6.94। इन सबको मल्टीप्लाई करके क्यूबिक मीटर में निकालेंगे तो ये हमारा टोटल क्यूबिक मीटर निकल के आ जाता है। रेट यहाँ पर है 10,670 रुपीज़ का। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे रेट इनटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाता है। इसके बाद है आइटम नंबर 14.2, स्टोन पिचिंग जो हम करते हैं, जो हमारे शोल्डर्स पोर्शन होते हैं या अर्थवर्क का जो पार्ट होता है जो कि हमारे रिटर्न वॉल से लग के रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, रिटर्न वॉल जो होती है वो तो कॉन्क्रीट की होती है, तो हमारी कॉन्क्रीट तो पानी से डैमेज नहीं होती, लेकिन जब बारिश का पानी हमारे रोड सर्फेस पर आता है तो जो रिटर्न वॉल का हिस्सा है, ठीक है, इसमें आपको बताता हूँ मैं, ये जो रिटर्न वॉल है यहाँ पर हमने कोई अर्थ का फिलिंग करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न वॉल तो हमारी पानी से प्रोटेक्ट होती है, लेकिन जब बारिश का पानी यहाँ पर अर्थवर्क के ऊपर आता है तो पानी क्या करता है, यहाँ पे अर्थवर्क को इरोड करता है। तो उसी इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्टोन पिचिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो स्टोन पिचिंग हम क्या करेंगे, 5 मीटर हमारे टोटल, देखो जो अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड भी हमें करना है, और चारों जो हम रिटर्न वॉल के, चार रिटर्न वॉल हैं तो चारों रिटर्न वॉल के बगल से हमें स्टोन पिचिंग करना होगी। तो इसलिए हमें आइटम नंबर, जो आइटम की क्वांटिटी है वो 4 ले ली है, लेंथ ले ली 5 मीटर लंबाई में करनी है, मोटाई है इसकी 0.30 और जो इसकी हाइट रहेगी वो रहेगी 3 मीटर। टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आप स्टोन पिचिंग की 18 किलोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रेट इसका है 931 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाती है। इसके बाद जो रेलिंग है आपकी, स्टील रेलिंग आपने लगानी है। स्टील रेलिंग कैसे लगाएंगे, आपको बोथ साइड लगानी है, 13.6 एक साइड हमें लगाना है 13.60 मीटर लंबाई में। तो टोटल रनिंग मीटर में ये हो जाएगा 27.20 मीटर। रेट है 2,111 रुपीज़। टोटल अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब ये जो आप पर्टिकुलर आइटम के लिए ये जो अमाउंट आपने निकाले हैं, ये जो अमाउंट आपने पर्टिकुलर आइटम के लिए निकाले हैं, इन सब का आपने टोटल कर लिया, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो आपका ये विथाउट टैक्स या कोई भी अलग से कोई GST है या लाइबिलिटीज है उसको ऐड किए बिना जो अमाउंट हो रहा है वो आपने यहाँ पर लैक में शो कर दिया है। अब इसमें GST आपकी 3% या 5% जो भी आपके क्लाइंट और जो SOR है उसमें आपको, या जो भी आपके नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग GST अप्लाई करनी है, वो इस अमाउंट के ऊपर आप GST को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अमाउंट इन GST के साथ में आ जाता है। ओके दोस्तों, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा तो आपको ये समझने के लिए आसान हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।